वो मैंने पूरी कराई और मैंने 15 दिन के अंदर 41 किसानों को 42 लाख रुपए का पेमेंट करवाया। सुनो, अब रहा सवाल, अब जिसने जहर खाया है, ये कांग्रेस का नेता है, वो फर्जी है, इसके पास जमीन ही नहीं है और इन्होंने दादागिरी करके दबाव देकर नकली बिल बनवा लिए फर्जी, वो पकड़ेगा, इनके पे 420 का मुकदमा कायम है। जो हम्माल था उसको किडनैप करके ले गए घर और पट्टा के अड़ा के कहा कि तू लिख तेरे डायरी में कि मैंने माल तुलवाया, वेरीफाई हो जाए, ताकि उस पर अपहरण का मुकदमा कायम है। और आपने वीडियो देखो, वीडियो देख के समझ जाओगे कि ये नौटंकी कर रहा है, कोई फांसी लगाने के लिए गेट लगाएगा, खड़ा करेगा, मीडिया बुलाएगा और पूरी व्यवस्था जिस प्रकार का है फर्जीवाड़ा, इसकी हमने जांच के आदेश दिए और इनके खिलाफ मुकदमे कायम है। ये फर्जी किसान है, हाँ मैं आपके माध्यम से किसानों को विश्वास दिला रहा हूँ, पूरे प्रदेश के हरदा ही नहीं, जिन किसानों का सही पैसा उन्होंने माल तुलवाया उनसे अधिकारियों से विभाग से दिलवाऊंगा। मैंने पहले भी दिलाए, जो एक साल से कांग्रेस की सरकार नहीं दे पाई थी, मैंने 15 दिन के अंदर दिलवाए 42,41,000 किसानों का। और अभी भी जो सही किसान है वो 1,000 क्विंटल का है उनका रहा है, उनको दिलवाएंगे। कुछ फर्जी लोगों ने ले लिया तो पैसा बिल बनवा के नकली दबाव दे के उनकी जाँच करा के उन पर मुकदमे कायम हुए, उनसे वसूली करेंगे और ओरिजिनल किसान को दिलाएंगे। एक एक रुपया ओरिजिनल किसान है उसको देंगे, लेकिन फर्जी और 420 का धोखाधड़ी गुंडागर्दी करके करना चाहते हैं किसान के नाम पे तो नहीं देंगे। हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश की सोसाइटियों को डिफॉल्टर कर दिया कमलनाथ, इसलिए डिफॉल्टर। मैंने कहा ना यार, देखो मैं आपके सामने बोलता हूँ, 6,420 करोड़ जो पहले 18 में किए हैं पहली किस्त, उसमें 50,000 के होना था, इनको 50,000 सोसाइटियों को देना था, इन्होंने दिए 25,000 और 25,000 किसानों के जो पैसा जमाते उनसे कराया। बताओ कमलनाथ को या किसी भी मुख्यमंत्री को यह अधिकार है क्या कि किसानों के पैसे से कर्जा माफ कराया जाए? नहीं है, कोऑपरेटिव एक्ट में भी नहीं है। ये अपराध किया है, गलती किया है, असंवैधानिक काम किया है और इसलिए कमलनाथ किसानों से माफी मंगे सबसे, और इनके खिलाफ नहीं तो अमानत में खयानत षड्यंत्र करके 420 का मुकदमा मध्य प्रदेश के किसानों से मैं कराऊंगा। नहीं, हम जांच कराने का आदेश दे दिए, गलत कैसे? कलेक्टर ने जो प्रस्ताव भेजा राज्य शासन को वो MP ऑनलाइन पोर्टल पे है कि इतने किसानों का हरदा का 7,113 एक रुपया भी नहीं आया। ये मांग की उन्होंने कि इन्हें पात्र पाए गए, इनके पैसे जमा करो। कमलनाथ जी को पैसे भेजना था सरकार को, वो पैसे भेजते उनके खातों में जमा हो जाते तो उनको प्रमाण पत्र मिल जाते और नोटिस मिल जाते, लेकिन पैसे मिले ही नहीं, पैसे मिले ही नहीं 19 में भी, ये तो 20 में गए मार्च। देखो कमलनाथ का इस्तीफा हुआ 19 मार्च 2020 को और ये 19 का पैसा है। कमलनाथ जी ने 18 का बीमा नहीं दिया, खरीफ का रबी का 19 का दिया, किसने रोका था 15 महीने? और ये कहते हैं पैसे नहीं। आईफा अवार्ड के लिए 700 करोड़ है, हीरोइन के साथ फोटो खिंचवाने का समय है, लेकिन किसानों के पास जाने का नहीं है, उनके लिए पैसा नहीं है, अंत्येष्टि के लिए पैसा नहीं है, दुर्घटना में गरीब मजदूर की मृत्यु हो जाए तो 4 लाख नहीं है, गरीब की कन्या के विवाह के लिए पैसा नहीं है, है ना, लैपटॉप देने के लिए पैसा नहीं है। और शिवराज सिंह जी के पास कहाँ से आ गए? देखो कब से पैसे ही पैसे दे रहे हैं। मैं बताऊँ, दो एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 15 महीने मध्य प्रदेश की जितनी कॉपरेटिव और बैंक के हैं नेशनलाइज, सन्नाटा छाया रहता था, सामने भीड़ नहीं रहती थी किसानों की, क्योंकि कोई पैसे ही नहीं जमाता तो निकाले कहाँ से। और अब वापस शिवराज सिंह जी के आते से ही बैंकों के अंदर रौनक आ गई है, भीड़ लगी हुई, जहाँ भीड़ दिखे समझ जाओ ये बैंक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने बच्चों से लेकर गरीब से लेकर मजदूर से लेकर किसानों के खातों में बीमा का सब पैसा दिया, उसके कारण रौनक आ गई है। यार ये बताओ, एक 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 साल के अंदर इंट्री ग्रोथ कर दी इन्होंने, मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। दिग्विजय सिंह जी के समय माइनस में चलता था मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, कृषि विकास माइनस में, वो शिवराज जी ने प्लस में लाता था, 20 से ऊपर है पूरे हिंदुस्तान में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो सरकार चली भाजपा की, उसके कारण लगातार 5 साल तक कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, जहाँ 2990 मेगावाट बिजली थी वह 18,000 से ऊपर है, जहाँ 7.5 लाख हेक्टर सिंचाई था वहाँ आज 42 लाख से अधिक है, और बिजली 24 घंटे, दिग्विजय सिंह के समय बिजली आती नहीं थी, अब तक कितनी बार 10 बार बिजली गोल हो जाती, प्रेस कॉन्फ्रेंस देते थे पहले भोपाल में। तो
हम उसकी सबकी जांच करा रहे हैं, हम जांच करा रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी ने 2 लाख तक के कर्जे माफ किए, हर कर्जा के लिखवाया था, ये धोखाधड़ी की, हम जांच करा रहे हैं ना उसकी, हम जांच कराएंगे, जो फर्जी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हमने कार्रवाई की है, हमने कई कोऑपरेटिव के जो अधिकारी थे जिनने गड़बड़ी की है उनके खिलाफ FIR कराई है। वो खाद्य विभाग से संबंधित है, मैं जानकारी बुला के बता सकता हूँ। ठीक है सर, ठीक। कृषि जो कृषि संबंधित जो कानून आया है उसको लेकर पूरे प्रदेश भर में विरोध हो रहा है, देश भर में हो रहा है, चुनाव है सामने। हाँ, इसको स्पष्ट कर देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं किसान की आय दोगुना करूंगा 2022 तक। वो जो कहते हैं वो करते हैं, और इसलिए किसानों के हित में, किसानों की आय दोगुना करने के लिए, किसानों की फसल को उचित मूल्य दिलाने के लिए, लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए, एक तो MSP में बढ़ोतरी की और दूसरा उनको खरीदी की और किसान को फसल बेचने के लिए सुविधाएं दी। अभी तक किसान अपनी 2 जगह माल बेच सकता था, एक तो मंडी में और एक समर्थन मूल्य पर। मंडी और समर्थन मूल्य चालू रहेंगे, सरकार समर्थन मूल्य पर भी खरीदेगी, मंडी में भी खरीदी होगी। लेकिन जब मंडी में एक साथ माल आता है तो व्यापारी कम पड़ जाते हैं खरीददार, और माल अधिक रहता, मांग कम पूर्ति अधिक, इसलिए भाव डाउन हो जाते हैं। और इसलिए इससे बचाने के लिए, किसानों को उचित मूल्य दिखाने के लिए प्रतिस्पर्धा करा दी। अब कोई भी पैन कार्डधारी सीधा किसान से माल खरीद सकता है, अनाज खरीद सकता है, खलिहान से, खेत से, घर से, वेयर हाउस वाला, कोल्ड स्टोरेज वाला, मैदा मिल, दाल मिल, ये सब किसान से सीधे माल खरीद सकते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इसलिए किसानों को सुविधा देने के लिए, किसानों की फसल को उचित मूल्य दिलाने के लिए, देखिए क्यों, पहले देश में उत्पादन कम होता था, आयात करना पड़ता था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को बिजली, सिंचाई, सड़क सुविधाएं इतनी दे दी हैं, सिंचाई 7.5 लाख से 42, इसलिए उत्पादन बहुत हो रहा है। और जब माल इतना उत्पादन हो रहा तो खरीददार, जितने मंडी में व्यापारी कम पड़ रहे हैं, इसलिए व्यापारी बढ़ा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहे हैं, और इससे किसानों का पूरा माल बिके। एक दूसरा जो एक्ट है उसमें 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जिससे हम किसानों के समूह बनाएंगे, किसान उत्पादक समूह FPO, और उसमें 300 से लेकर 3000 तक एक एक सदस्य एक एक FPO में रह सकते हैं। उनको ट्रेनिंग देंगे, किसान खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा, निर्यात भी करेगा, और सीधे माल बेचेगा, बिचौलिए हटेंगे, और इससे किसान जो बिचौलिया कमाता था पैसा वो किसान को मिलेगा। और इसलिए दोनों तीनों एक्ट और एक एग्री करार का है कि आप कॉन्ट्रैक्ट खेती भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट खेती का मतलब कि आपकी मिर्ची का भाव 2000 रुपये में दूंगा, पहले ही एग्रीमेंट हो जाएगा किसान को, मेरे बीच में व्यापारी के बीच में ये लगा उसको किसान को कि मेरी लागत 1000 रुपये आ रही है, 1000 मिलेगा, एक फिक्स निश्चित आमदनी होगी, घाटा नहीं होगा, तो वो एग्रीमेंट भी कर सकता। अगर उससे नीचे बिकती है तो व्यापारी मजबूर होगा, कंपनी वाला मजबूर होगा खरीदने के लिए, लेकिन अधिक माल हो गया तो किसान के ऊपर कोई मजबूरी नहीं, वो बाजार में दे सकता। और इस प्रकार किसानों को पूरी तरह से इसमें छूट दी गई है, और इसलिए किसान हितैषी विधेयक पास हुए, इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का मध्य प्रदेश के लाखों करोड़ों किसानों की ओर से अभिनंदन करता हूँ। और ये जो भ्रम कांग्रेस फैला रही है, ये चुनाव के कारण भ्रम फैला रही है, और जो विरोधी लोग हैं वो भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन ये तीनों विधेयक जो पास हुए लोकसभा और राज्यसभा में, ये किसान के हितैषी है, किसान की आय बढ़ेगी, किसान की खेती लाभकारी होगी, और किसान की आय 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना होगी। ठीक।